नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक अभी देखने जा रहे हैं दैट इज़ केमिकल एनर्जी। अभी हमने ऊपर बात की थी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की, तो हम लोग फिलहाल एक गो थ्रू कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी हमने देख ली है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी के सेवरल टाइप्स करने लगे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो उन्होंने बताया है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है हम उनको देखने लगे हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आती है केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन फूड, जो हमारी फूड के अंदर स्टोर्ड होती है तो उसको आप क्या कहते हो, केमिकल एनर्जी कहते हो। इसी तरह ना सिर्फ हमारे पास ये फूड के अंदर होती है बल्कि बैटरीज में एंड फ्यूल्स जैसे कि कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, इनके अंदर जो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको आप क्या कहते हो, केमिकल एनर्जी कहते हो। फूड, फ्यूल्स एंड बैटरीज रिलीज केमिकल एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर कोयला पड़ा है तो वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब कोयले को जलाओगे तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो हमारे घर में गैस वगैरह आ रही है, जब तक हमारे चूल्हे वगैरह बंद हैं तो उसके अंदर गैस कुछ नहीं कर रही है, जब ऑन करेंगे तो जो है वो फायर लिट हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल अकेला पड़ा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जब हम उसे काम लेंगे तो वो कोई ना कोई काम करेगा। तो इसको आप क्या कहते हो, केमिकल एनर्जी, जो कि इन चीज़ों में स्टोर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसी चीज़ में फोर्स की वजह से जब कुछ करना पड़े कि उसमें मूवमेंट आए तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाती है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन ऑब्जेक्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में हमारे पास क्या आता है कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग्स एंड स्ट्रेच्ड रबर बैंड्स जो हैं वो पोजेस करते हैं क्या, केमिकल एनर्जी पोजेस करते हैं, ठीक है। यानी कि देखो अभी तक आपके पास रबर बैंड था वो पड़ा हुआ है, उसमें एनर्जी स्टोर्ड है, लेकिन जब मैंने उसको उठा के खींचा और वो मूव किया तो वो क्या होगी, वो पोटेंशियल एनर्जी की कौन सी किस्म आ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी की स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म आ गई। इसी तरीके से ग्रेविटी किसे कहते हैं, अर्थ की जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ग्रेविटेशनल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाती है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू हाइट। हाइट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसको आप क्या कहते हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी कहते हो। अब इसकी एग्जांपल में अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने एक ब्रिक उठा के या एक स्टोन उठा के एक हाइट पर रखा है, अब आप बताओ कि इनमें से इसके अंदर कौन सी वाली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइट आ गई है तो वो ग्रेविटेशन एनर्जी होगी, ठीक है। इसी तरह से फूड, फ्यूल वगैरह आ गया तो केमिकल एनर्जी होगी, जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होंगे। लास्ट जैसे हमारे पास आता है न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हमें क्या कहा गया है, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ऐसी एनर्जी है जो कि स्टोर्ड है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन बी रिलीज व्हेन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट। जैसे हमारे पास क्या आता है, बॉम्ब ब्लास्ट एक उसकी एग्जांपल है। यूरेनियम का एक एटम होता है, वो जब एकदम से उसके अंदर ब्लास्ट होता है तो वो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि तबाही मच जाती है, डिस्ट्रक्शन करवा देता है। तो वो किसकी एग्जांपल है, न्यूक्लियर एनर्जी की। जब तक पड़ा हुआ कुछ नहीं कर रहा, जैसे ही उसके अंदर रिएक्शन होगा वो फट जाएगा। तो ये उन्होंने आपको इस तरीके से इनकी एग्जाम्पल्स को याद करना है। आपको ये पता है कि ये सारी पोटेंशियल एनर्जी हैं, लेकिन अगर आपको एग्जांपल्स या इसकी ऑप्शंस इस तरीके से आती हैं कि कंप्रेस्ड स्प्रिंग में कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और आपको ऑप्शंस आती हैं केमिकल एनर्जी, स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशन एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टोर्ड मैकेनिकल एनर्जी है। एक तो क्योंकि रबर बैंड है, स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ अभी तक पड़ा हुआ है तो स्टोर्ड है उसके अंदर, प्लस क्योंकि वो मूव करेगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। इसी तरीके से फूड के अंदर कौन सी एनर्जी, आपको पता होना चाहिए कि जब केमिकल रिएक्शंस होंगे तो हमें फूड से फ़ायदा पहुंचेगा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। तो इस तरीके से आपने जो है वो ये इस टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। तो अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी देख ली और उसकी डिफरेंट फॉर्म्स देख ली पोटेंशियल एनर्जी की।